क्या आप भी भूतों पर विश्वास नहीं करते? क्या आप भी किसी बुरी आत्मा से नहीं डरते? क्या आप भी हॉरर फिल्में देखकर उसमें खो जाते हो और रात में आकर अकेले चैन से सो जाते हो? तो आज के बाद आप भूतों से डरने भी लगेंगे और उन पर यकीन भी करने लगोगे, क्योंकि आज का ये वीडियो है रियल घोस्ट पार्ट 7। तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको कुछ ऐसे हॉरर वीडियो जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो इस वीडियो को रात में और अकेले बिल्कुल मत देखना। तो यार बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। बूम, कोई जंप स्केयर नहीं डाला आज के वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो खुद ही पूरा का पूरा एक जंप स्केयर है। तो ये सबसे पहली वीडियो है जापान के एक टनल की। यहाँ पर रात का समय है, काफी अंधेरा है, और यहाँ पर रात के समय में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते समय दिखा एक अजीब सा साया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्हाइट कलर की शेडो दिखाई दे रही है। ये जगह पूरी तरह से सुनसान है और यहाँ पर किसी एक अनजान औरत का इस तरह से घूमना कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं। जापान का ये टनल हॉन्टेड माना जाता है और इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये बंदा अपने नाइट विजन कैमरे के साथ वहां गया था, और जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ वो सब आपकी आंखों के सामने है। इसी के साथ रात के समय एक क्रिएटिव फोटो शूट करने के लिए एक म्यूजियम में गए बंदे के साथ हुई एक अजीब सी घटना। वो मिट्टी के बने पुतलों के कुछ क्रिएटिव शॉट्स खींच रहा था और तभी अचानक उनमें से एक मेल जो पुतला था उसने अपनी आंखें हिलाई। ये नजारा काफी डरा देने वाला था। उस समय वो बंदा अकेला था तो वो वहां से अपना कैमरा लेकर तुरंत भाग गया। और साथ ही साथ देखिए रात के समय एक अपार्टमेंट की खिड़की से लिया गया ये वीडियो, जहां पर सामने वाले गार्डन का जो झूला है वो अपने आप मूव कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं साफ नजर आ रहा है कि ये मूवमेंट हवा की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई घर के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन आप घर के अंदर भी सेफ नहीं हो। ये सीसीटीवी फुटेज है 2020 का, बिल्कुल लेटेस्ट है, और ये घर का फुटेज है। यहां पर रात के समय एक आदमी को भूख लगी, जो भी उस घर का ओनर था, और वो रात में फ्रिज से कुछ खाने के लिए आया। फ्रिज खोलने के बाद यहाँ पर टेडी बियर में हल्का सा मूवमेंट हुआ है। उसकी डाइनिंग टेबल पर जो टेडी बियर रखा है वहाँ पर हल्का सा मूवमेंट हुआ है, लेकिन वो मूवमेंट उस आदमी को दिखा नहीं। मतलब भूत की जो कोशिश थी वो बेकार चली गई। उसने फ्रिज बंद किया, वापस गया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ उस आदमी के बच्चे का वॉकर अपने आप मूव किया। भाई अगर मुझे ऐसा कुछ होता दिख जाए ना हवा टाइट हो जाएगी। खैर वो बंदा अपनी बीवी को लेकर आया, उसने दिखाया कि ओह 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 बाप रे, वो टैडी पूरा ही पलट गया। ओ माय गॉड, अरे उसके पास मत जाना। उसके पास क्यों जा रहा है भाई, उसके पास क्यों जा रहा है? ओ माय गॉड, दिस इज सो स्कैरी। भाई कुछ दिखाई नहीं दिया, ना कोई भूत ना कोई शेडो, लेकिन उसके बाद भी अब मैं कभी रात में अकेले में फ्रिज से कुछ खाना निकालने के लिए कभी नहीं जाने वाला। खासकर उस कमरे में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जहां पर कोई टेडी बियर रखा हुआ हो। अगर मेरे साथ ऐसी कोई घटना कभी किचन में घट जाए तो मैं लाइफ टाइम उस किचन में नहीं जाऊंगा। मैं जोमेटो और स्विगी से ही खाना मंगा लिया करूंगा भाई, मैं खाना बनाने ही बंद कर दूंगा। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जोमेटो एंड स्विगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बिनोमो के बारे में। बिनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जहां पर आप बड़ी बड़ी कंपनी जैसे उबेर और अमेजोन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और साथ ही ये एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको एक नॉर्मल ग्राफ प्रेडिक्ट करना है जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने आपकी तरफ प्रेडिक्ट किया है, और थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अब देखते हैं कि मेरा ये प्रेडिक्शन सही होता है या नहीं। यस, मेरा प्रेडिक्शन सही था। ये देखिए मैंने लगा दिए थे 3,500 रुपए अप ट्रेड पर, और मेरा प्रेडिक्शन सही था, इसकी वजह से वो बन गए 6,475 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट डबल। लेकिन आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर आप इजीली विड्रॉल कर सकते हैं अपने पेटीएम वैलेट में या बैंक अकाउंट में, और साथ ही साथ यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए है। और अगर आप मेरा दिया हुआ प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपके पैसे हो जाएंगे डबल, मतलब 350 के हो जाएंगे 700 रुपए। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको अपने डेमो अकाउंट में मिलेंगे 65,000 रुपए। इनका यूज करके आप
ट्रेड करना सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाओ जाकर डाउनलोड करो बेनोमो ऐप। और इसमें आप बड़ी आसानी से साइन अप भी कर सकते हो, आपको बस अपनी ईमेल आईडी डालनी है, एक पासवर्ड बनाना है और करेंसी चूज करनी है और बस बन गया आपका अकाउंट। और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो बिना प्रैक्टिस और परफेक्शन के काफी रिस्की भी हो सकती है, तो जरा ध्यान से। ये वीडियो एक अरेबिक घोस्ट हंटर का वीडियो है जिसने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, और यहाँ पर वो एक अबैंडेड बिल्डिंग में गया और यहाँ पर उसे एक ब्लैक शेडो दिखाई दी। आई डोंट नो आपने देखी या नहीं देखी, जहाँ पर उसकी लाइट है, मैं एक बार फिर से रिपीट करके दिखा दूंगा, जहाँ पर उसकी लाइट गई थी उस दरवाजे के पीछे से कोई झांक रहा था। और भाई उस बंदे की हिम्मत देखो, वो वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सच अ ब्रेव गाय। लेकिन उसके बाद उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी, वहाँ पर चीज़ें गिरने लगी, अजीब अजीब मूवमेंट्स होने लगे। शायद वहाँ पर जो भी था वो नहीं चाहता था कि ये बंदा वहाँ इन्वेस्टिगेट करे और वहाँ से चला जाए। अक्सर ऐसी सुनसान जगहों पर इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं, इसीलिए अननेसेसरी कभी भी ऐसी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर भूत ही हो, कुछ और भी वहाँ पर हो सकता है, जैसे कोई जंगली जानवर, सांप बिच्छू, या पर वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो सकती है। तो जब तक आपको किसी प्लेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, वहाँ पर रात में और सुनसान में बिल्कुल ना जाएं। यहाँ पर दो बंदे एक शॉपिंग मॉल में, एक एंटर कर रहा है और एक एग्जिट कर रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी वाइड एंगल में पूरा का पूरा नज़ारा हमको देखने मिल रहा है, और एक बंदे के अंदर से कोई स्पिरिट निकलकर या कोई शेडो निकलकर लेफ्ट साइड जाने वाले बंदे के अंदर चली गई। लेकिन जब भी बात शेडोज की होती है तो वो वीडियो 90% फेक निकलते हैं, और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में कोई डेट नहीं दिखाई दे रही है, कैमरे की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा शक जरूर हो रहा है कि मे बी ये फुटेज नकली हो सकती है, क्योंकि ऐसे शेडो के इफेक्ट बनाना कोई आजकल बहुत बड़ी बात नहीं है, इस टाइप के वीडियोस कोई भी बना सकता है। लेकिन सोचिए जरा, अगर ये चीज वाकई में सच है तो सुनसान गलियों से लेकर घर तो क्या, आप शॉपिंग मॉल में भी सेफ नहीं हो। यहाँ पर कुछ लोग एक टनल में जा रहे हैं, शायद ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, लेकिन इसके हाथ में गन है, ये बंदर डरा हुआ है। ओ हो, कितना डरावना नजारा, भाई भाग जा वहां से। ओ हो, भाई ये जो वीडियो है ये YouTube पर काफी वायरल हुआ था, और बहुत सारे हॉन्टेड वीडियो बनाने वाले YouTube चैनल इसको रियल बताते हैं, जबकि ये एक मूवी का सीन है। उस मूवी का नाम है द टेकिंग ऑफ डेबोरा लोगैन, लेकिन मानना पड़ेगा ये वाकई में बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। तो अगर आप हॉन्टेड मूवीज देखने के शौकीन हैं तो एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पर एक लड़की सो रही है आराम से, यहाँ पर कुछ पार्ट्स को मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि वो सबके लिए सूटेबल नहीं था, और ये लड़की हवा में उड़ने लगी। कितनी गहरी नींद में है, मतलब इसको पता भी नहीं चला। स्पेशली ऐसा होता है जब स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन होती है, हमारे साथ कुछ भी घट रहा होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है। कभी कभी तो सोते हुए इंसानों के हाथ पर सुन्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो मुझे जरूर बताना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल आए हैं। पहली चीज तो, क्या वो भूत जिसने उस लड़की को हवा में उठा लिया है वो टीवी का रिमोट ढूंढ रहा था उसके नीचे? ये वीडियो किसने शूट किया है? क्योंकि कोई भी लड़की अपने बेडरूम में इस एंगल पर कैमरा नहीं लगवाएगी। यहाँ पर आपको बेड के बाजू में एक लैंप जैसी रॉड दिखाई दे रही होगी, वो एक्चुअली में कोई लैंप नहीं है, ये आपके मन का एक प्रेडिक्शन है कि हाँ वहां पर एक लैंप रखा हुआ है, वो एक क्रेन का सपोर्ट है जिससे एक रस्सी बंधी हुई थी जिसकी मदद से इस लड़की को ऊपर हवा में उठाया गया, और उसके बाद विजुअल इफेक्ट्स का यूज करते हुए उस जगह से उस रस्सी को हटा दिया गया। लेकिन आज के इस वीडियो को बनाने का एम आपको ये बताना था कि इंटरनेट पर आप जो भी देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी डर लगा है, देखने में मजा आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ 1 मिलियन का काफी नजदीक है हम, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।